Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? I hope that everyone is fine at their home. Today we are going to start the next topic of chapter gravitation, that is significance of gravitational force. Means ki gravitational force ki क्या क्या एप्लीकेशन है, किस किस जगह पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स यूज हो रहा है. ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके डेरिवेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यूज होती है, ये सारा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मैं इसमें लिखूंगा नहीं बेटा, क्योंकि काफी लेंथी होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं इसमें साथ के साथ, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए. फर्स्ट पॉइंट इज द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. यू कैन ऑल्सो से दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन द यूनिफॉर्म मोशन जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. सपोज करो सन एक्सर्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ एंड अर्थ ऑल्सो एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सन, तो जिसकी वजह से ही जो अर्थ है इट इज रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट और यूनिफॉर्म मोशन. सेकेंड पॉइंट द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, दैट इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, वी आर फर्मली ऑन द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, कि हम अर्थ सरफेस पर इजिली चल सकते हैं. क्यों चल सकते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है. कौन लगा रहा है? अर्थ. जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. यू कैन ऑल्सो से दैट द अर्थ अप्लाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अस, दैट्स व्हाई वी आर फर्मली स्टैंड्स वॉकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. रेनफॉल, स्नोफॉल, दीज आर द नेचुरल फिनोमिना एंड द कॉजेज ऑफ दिस फिनोमिना is also due to the gravitational force. और सबसे बड़ी चीज आपने देखा होगा high tides और low tides, समुद्र का पानी जो होता है बेटा एक बार ऊपर चढ़ता है और नीचे, इसका भी सबसे बड़ा रीजन क्या है कि समुद्र के पानी के ऊपर मून एंड सन दे अप्लाई द ग्रेविटेशनल फोर्स. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक बार दिन में high tides आता है और लो टाइड्स. क्लियर हुआ? दीज आर सम बेसिक एप्लीकेशंस एंड द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, की ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस जगह पर यूज होता है. जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं उनमें भी क्या एग्जिस्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है. क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसमें आता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. Kepler's law of planetary motion. इसको ध्यान से समझना, ये कोई सा भी लो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है बेटा. Kepler ने प्लेनेट के मोशन को समझने के लिए तीन लॉज दिए थे बेटा, कि जिसके थ्रू हम ये पता लगा सके कि जो सन के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं उनका पाथ क्या है, किस तरह से वो रिवॉल्व करते हैं. सो द लॉज गिवन बाय द केपलर्स टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स या केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन विच
सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी. समझो इसको, इसका दूसरा नाम होता है बेटा इस लॉ का, लॉ ऑफ ऑर्बिट. क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ ऑर्बिट. इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सपोज करो ये हमारे पास एक इलिप्टिकल पाथ है. इलिप्टिकल पाथ हम किसको बोलते हैं, जो ओवल शेप के अंदर होता है, नॉट सर्कुलर. इसमें बेटा दो सेंटर होते हैं जिसको हम फोकस बोलते हैं. तो दो को हम बोलते हैं, इसको मान लो मैं F1 और इसको F2, इनको बोलते हैं फोकी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकी, एक होता है फोकस और एक क्या होता है फोकी. इट इज द प्लूरल ऑफ फोकस. एक है तो फोकस, दो है तो फोकी. ऐसे अगर आपने देखा हो रेडियस, अगर हम लिखते हैं तो रेडियस का प्लूरल भी क्या होता है, रेडियस. दीज आर द प्लूरल वर्ड्स. तो इस इक्लिप्स के अंदर दो फोकस है बेटा, जिसमें सन एक फोकस के ऊपर सिचुएटेड है. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी प्लैनेट है, सपोज करो मैं इस प्लैनेट को पी नाम दे रहा हूं, जितने भी प्लैनेट है दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ एंड इन विच सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकी. मींस इन दोनों फोकस में से एक फोकस पे क्या सिचुएट है, सन. क्लियर हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर्स प्लैनेटरी मोशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट. क्लियर. सेकेंड, केप्लर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन मीन्स फर्स्ट लॉ जो है इससे हम एक चीज निकाल ये पता लगाते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं और वो जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है. कैसे है वो, इलिप्टिकल पाथ के अंदर. क्लियर, इलिप्टिकल मतलब कि ओवल शेप जो होती है, नॉट सर्कुलर. सेकेंड लॉ जो है केपलर का, इसको बोलते हैं जी लॉ ऑफ एरिया. क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया. क्या होता है सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दिस इज द सेकेंड लॉ. कैसे होगा देखो इसको, सपोज करो ये पॉइंट ले रहा हूं मैं ए और ये पॉइंट ले रहा हूं मैं बी. ध्यान से समझना इसको, यहां पर एक प्लैनेट है, पी प्लैनेट है, वो ए पॉइंट से कहां पर जा रहा है जी, बी पॉइंट पर जा रहा है. ए से कहां जा रहा है, बी पॉइंट पे. तो जो उसने एरिया कवर करी, लाइन ज्वाइनिंग ये है, प्लैनेट और सन को जो ज्वाइन करे, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग. द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्ट्रिप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब वही बात देखो, ये प्लैनेट तो इस डायरेक्शन में, अब यही प्लैनेट जब सर्कल कंप्लीट करके यहां पर पहुंचता है, ए डैश बी डैश, तो ये दोनों एरिया क्या होंगे जी, इक्वल होंगे. हमेशा याद रखना इस चीज को, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, जो प्लैनेट सन के क्लोज है, बिल्कुल पास में है, उसकी तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. द प्लैनेट विच इज क्लोजर टू द सन मूव्स विद हाई वेलोसिटी एंड द प्लैनेट विच इज फार अवे फ्रॉम द सन मूव्स विद द स्लोअर वेलोसिटी, बहुत कम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं. बट हाँ, जो ये एरिया निकलेगा ए एफ बी और ए डैश एफ बी डैश, इन दोनों का एरिया क्या होगा जी, इक्वल. इसीलिए पॉइंट आया, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और जिस वेलोसिटी के साथ प्लैनेट मूव करते हैं इस पाथ में, उसको बोलते हैं बच्चे एरियल वेलोसिटी. क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी. द एरिया कवर बाय द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन पर सेकेंड, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट. और ये जो एरियल वेलोसिटी होती है ये हमेशा कैसी होती है जी, कॉन्स्टेंट होती है. याद रखना इस चीज, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. क्लियर हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट,
मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्या बोलेंगे जिसको? केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया. और जिस वेलोसिटी के साथ प्लैनेट मूव कर रहे हैं इस इलिप्टिकल पाथ में, उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम? एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट. और ये हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट. आपको याद क्या रखना है? जो प्लैनेट सन के पास है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और जो सन से दूर है वो कम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. क्लियर हुआ? केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द स्केयर ऑफ टाइम टी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस आर ऑफ द प्लैनेट टू द सन. मीन्स स्केयर ऑफ टाइम टी, कि जो प्लैनेट है सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है उसको कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम. उसका स्केयर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन. मीन्स टी स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. और यू कैन ऑल्सो से दैट टी स्केयर अपॉन में आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड आर क्यूब अपॉन में टी स्केयर इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मीन्स क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट डिस्टेंस. मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ ये तीनों लॉज. फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ ऑर्बिट. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ इन विच सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकी. क्लियर? मींस जो प्लैनेट है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व ना करके किस पाथ में मूव करते हैं? इलिप्टिकल पाथ के. अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवेल ऑफ टाइम. मीन्स की जो लाइन सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है, जो ये एरिया कवर कर रही है बेटा, ये इक्वल इंटरवेल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी. द लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवेल ऑफ टाइम. दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया. और जिस वेलोसिटी के साथ वो डिस्टेंस कवर कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम? एरियल वेलोसिटी. क्या बोलते हैं उसको हम? एरियल वेलोसिटी. द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन पर सेकेंड इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट. ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहती बेटा. जो प्लैनेट सन के क्लोज है वो फास्ट मूव करता है, और जो प्लैनेट सन से दूर है वो स्लो मूव करता है बेटा. एंड थर्ड लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, द स्केयर ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट is directly proportional to cube of the mean distance between the planet to the sun. और इसको हम तीसरे जो ये लॉ है इसको एक और नाम दिया जाता है बेटा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स. क्या बोलते हैं जी? लॉ ऑफ पीरियड्स. तो ये तीनों लॉज जो थे, दीज आर गिवन बाय केपलर्स टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन. बट एक चीज और है बेटा यहां पर, इनका जो मोशन है दैट इज एक्सप्लेन बाय द प्लैनेट. और न्यूटन ने भी बेटा इन लॉ से एक डेरिवेशन किया था, उसने प्रूव किया था यहां से इनवर्स स्केयर रूल दैट इज गिवन बाय न्यूटन. और इसके अकॉर्डिंग उसने क्या प्रूव किया था? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर. ये हमें प्रूव करना है. आपको याद हो तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. जो फोर्स है वो डिस्टेंस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके स्केयर. ये हमें प्रूफ करना है. और इसने प्रूफ कैसे किया? बाय यूजिंग केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. न्यूटन ने एक अजम्पशन लगाई. न्यूटन ने क्या अजम्पशन लगाई? कि जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ, उसने सोचा कि वो किस में मूव कर रहे हैं? अजम्पशन के अकॉर्डिंग सर्कुलर पाथ के अंदर.
जिसमें सपोज करो उसने एक प्लैनेट कंसीडर किया जिसका मास क्या था m, उनके बीच में डिस्टेंस कितना था r, और जब प्लैनेट मूव कर रहे हैं किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, प्लैनेट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है सन इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सन इस प्लैनेट पर क्या अप्लाई करेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा, तो उस फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, हम एफ ले रहे हैं उसको, वो किसके इक्वल होगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड बाय द सन टू द प्लैनेट। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाता है बेटा, वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो इसकी जहां पर मैंने वी स्क्वायर अपॉन आर पुट करा। अब मैं यहां से कॉन्स्टेंट टर्म को रिलीज करूंगा, हेयर एम इज कॉन्स्टेंट, प्लैनेट का मास कॉन्स्टेंट है, तो F इज इक्वल टू किसके आ सकता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको इक्वेशन वन मान लो मैं, ठीक है जी। जब प्लैनेट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी के साथ प्लैनेट मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन विद वी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा इसका फॉर्मूला, 2 पाई आर अपॉन में टी, डिस्टेंस कवर बाय द प्लैनेट अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना कवर करेगा सर्कुलर पाथ में 2 पाई आर, कितने टाइम में, टी टाइम में, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर लिख सकता हूं मैं। अब यहां पर बेटा 2 पाई क्या है, हियर 2 पाई इज कॉन्स्टेंट, तो क्या करेंगे वी स्क्वायर, सॉरी वी इज इक्वल टू आर अपॉन में टी, कॉन्स्टेंट को हटाकर मैंने उसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा दिया, इज प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन टी, अब दोनों तरफ स्केलिंग कर दो, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, उससे क्या होगा वी स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर अपॉन में टी स्केयर, यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, राइट हैंड साइड के अंदर आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आर से डिवाइड, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय आर ऑन राइट हैंड साइड, तो क्या होगा जी वी स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे आर से, आर क्यूब अपॉन टी स्केयर इंटू वन अपॉन आर। अब यहां से एक बात आपको याद आ रही हो तो आर क्यूब अपॉन टी स्केयर मैंने किसके ऊपर लिखा था, कॉन्स्टेंट के, कब, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आर क्यूब अपॉन टी स्केयर कॉन्स्टेंट था, तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं ये वी स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, कॉन्स्टेंट को हटा दिया मैंने, तो वी स्केयर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, वन अपॉन आर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, इसमें मैं अगर पुट करता हूं तो एफ इज इक्वल टू वी स्केयर की जगह क्या पुट कर रहा, वन अपॉन आर, एक आर ऑलरेडी है तो एफ इज इक्वल टू किसके आ गया, वन अपॉन आर स्केयर, क्लियर हुआ। तो वी कैन ऑल्सो से दैट एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल, क्लियर। तो जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है बेटा इसको अच्छे से रिवाइज करना, इनके डेरिवेशन में एक बार आप करके देखना, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे से इजीली पूछ सकते हैं। मैं एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, इनवर्स स्केयर रूल को, अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्केयर रूल हमें प्रूफ क्या करना है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस वन अपॉन आर स्केयर। तो हमने क्या कंसीडर किया, एक प्लैनेट लिया जिसका मास एम है, सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस लिया हमने आर, मींस रेडियस, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, इट इज एन अजम्पशन, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो सन उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दैट इज एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब यहां से मैं कांस्टेंट हटाता जा रहा हूं, एम कांस्टेंट हुआ तो एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये आ गया यहां पर, हियर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन विद वेलोसिटी वी, अगर वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंट को हटा के हम इसमें प्रोपोर्शन लगा देंगे, अगर वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो क्या होगी कंडीशन, यहां पर v इज इक्वल टू टू पाई आर अपॉन में टी,
टू पाई कॉन्स्टेंट, इसको हटा के मैंने देखो जहां भी कॉन्स्टेंट हटाया वहां पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाया, तो टू पाई कॉन्स्टेंट, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन टी, स्केयरिंग करेंगे दोनों साइड, तो वी स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर अपॉन टी स्केयर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम किससे, आर से, राइट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में हम आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर से डिवाइड, तो आर स्केयर को आर से मल्टीप्लाई किया आर क्यूब, और डिवाइड किया वन अपॉन आर, तो वी स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, इस वी की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्केयर, यही हमें प्रूव करना था, क्लियर। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना बेटा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्लियर। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम स्टे सेफ।